किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है धैर्य सफलता की कुंजी है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक व्यक्ति को कुआं खोदकर उससे पानी निकालने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के लिए सभी औजार लेकर आया और कुआं खोदने लगा। लेकिन यह क्या, उसने तो 10 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। अब उसने उससे ज्यादा यानी 12 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। तो वह सोचने लगा कि यहां भी पानी नहीं निकलेगा, मैं किसी और जगह खोदना शुरू करता हूं। उसने उस जगह पर खोदना बंद कर दिया और तीसरी जगह पर खोदना चालू कर दिया। इस बार उसने 1-2 फुट और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे पानी अभी भी नहीं मिला और परेशान होकर उसने वहां पर खुदाई बंद कर दी। अब वह किसी अन्य जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 16 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अभी भी नहीं मिला। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसी समय उस गांव का एक व्यक्ति और आया और उसने 16 फुट गहरे गड्ढे में खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद ही पानी मिल गया। दोस्तों, पहले व्यक्ति ने इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह हर बार अपना धैर्य खो देता था और खुदाई का स्थान बदल देता था। यदि उसने पहले गड्ढा खोदते समय धैर्य रखा होता तो पानी बहुत जल्दी मिल जाता। जितनी मेहनत उसने की, इतने में तो लगभग 3 कुएं खोदे जा सकते थे, लेकिन वह एक भी नहीं खोद सका, क्योंकि केवल और केवल धैर्य की कमी के कारण ऐसा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को करते समय धैर्य बनाए रखना चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी जीवन हो या बिजनेस का हो। किसी भी क्षेत्र में हमें धैर्य बनाए रखने पर ही सफलता मिलती है। दोस्तों, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक कुंजी की तरह काम करता है। तो धैर्य बनाए रखें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।